नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एड इन्फो में। दोस्तों, एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के यहां पे डाउट आ रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 10th क्लास में आपके टोटल 6 विषय हैं। 6 में से दोस्तों जो भी आपके 5 विषय हैं जिनमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उससे आपका रिजल्ट यहाँ पे आपका बनाया गया। और दोस्तों, एक विषय जिसमें आपके सबसे कम नंबर होंगे उसके आगे दोस्तों यहाँ पे आपका हैश लिखा होगा। अगर दोस्तों उस विषय में अगर आप फेल भी हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों 10th क्लास में अगर आप किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप पास माने जाओगे और दोस्तों यहाँ पे आप पास ही हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आप 10th क्लास में दो विषय में फेल हो गए, 6 में से दोस्तों अगर आप दो विषय में फेल हो गए तो एक में तो दोस्तों यहाँ पे आपका हैश लिखा होगा जिसमें आपके सबसे कम नंबर है, और दोस्तों जो दूसरा विषय है जिसमें आप फेल हो गए उसका दोस्तों यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री का पेपर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 10th क्लास में दो विषय में फेल हो गए, टोटल आपके 6 विषय हैं, 6 में से आप 4 में पास हैं और 2 में फेल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री का पेपर देना पड़ेगा। और दोस्तों जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है आपके दो विषय का होगा जिसमें आपका हैश लिखा है उसका भी आपको देना पड़ेगा, और दोस्तों अलग से जो आपका विषय है जिसमें आप फेल हो गए उसका भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तीन विषय में यहाँ पर फेल हो जाते हैं 10th क्लास में, तो यहाँ पे आप फेल माने जाओगे, आप सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं दे सकते। आप लोगों के लिए दोस्तों एक अलग से योजना होती है जो कि आपकी रुक जाना नहीं योजना होती है। इसकी दोस्तों जो डिटेल वीडियो है मैं अलग से यहाँ पर आपको अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तीन से ज़्यादा विषय में फेल है तो यहाँ पर आप फेल माने जाओगे, आप रुक जाना नहीं योजना का पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास में यहाँ पे दो विषय में फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री का पेपर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप दो विषय का यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री का पेपर देंगे और उसमें दोस्तों अगर आप एक विषय में फेल हो जाते हैं और एक विषय में यहाँ पे पास हो जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप पास माने जाओगे। यानी कि दोस्तों 10th क्लास में आपको टोटल सिर्फ 5 विषय में आपको पास होना, एक में अगर आप फेल भी रहेंगे ना तो भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10th क्लास में दोस्तों अगर आप दो विषय में यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो आपको जो सप्ली का जो फॉर्म है आपका दो विषय का आपका भराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में दोस्तों आपके 5 विषय, अगर दोस्तों 5 में से एक विषय में आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री आएगी और आपको सप्ली का पेपर देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप 12th क्लास में एक से ज़्यादा विषय में यहाँ पे फेल हो गए हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप फेल माने जाओगे और आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप दोस्तों एक से ज़्यादा विषय में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाना नहीं योजना का दोस्तों जो फॉर्म है इसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपको सप्लीमेंट्री का पेपर है कब होगा, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है। तो दोस्तों जो आपको सप्लीमेंट्री के जो आपके फॉर्म है एक वीक के अंदर आपके भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों जो आपको सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म होता है वो आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है। आपके नज़दीक में दोस्तों जो भी एमपी ऑनलाइन होगा वहाँ से जाके आप सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म है इसको ऑनलाइन भर सकते हैं 10th क्लास का और 12th क्लास का। इसके बाद दोस्तों जो आपके सप्लीमेंट्री का जो पेपर है आपके जुलाई में आपके स्टार्ट होते हैं। और दोस्तों जो आपका सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, जिस तरीके से आपका मेन वाला जो एग्जाम हुआ था सेम उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम आयोजित कराया जाता है, वही सिलेबस आपका आता है। और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट आता है कि जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है कि आपका हार्ड आता है या फिर ईजी आता है, तो दोस्तों जो आपका लेवल मेन एग्जाम का रहता है उसी तरीके से वही लेवल का आपका जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है वही आता है, कोई अलग से आपका हार्ड नहीं आता। और मैक्सिमम बच्चे दोस्तों जिनकी तैयारी हो जाती है वो सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा उसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों सप्लीमेंट्री परीक्षा और रुक जानने योजना की पूरी डिटेल जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आपको कोई पर्सनली मुझसे डाउट पूछना है तो आप चाहें तो जो मुझे इंस्टाग्राम है उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के दोस्तों जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।